हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके सर मैथ्स वाले। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला हूं। आज ये एक बहुत स्पेशल वीडियो है मेरे लिए, जिसको मैं ट्रिब्यूट देना चाहता हूं, जिसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट रहा है मेरे लाइफ पे। तो इसलिए आप लोग प्लीज़ ये वीडियो को स्किप मत करिए, देखिए कि मैं जो कुछ भी आज हूँ वो सबसे पहले तो अल्लाह ताला है, उसके बाद जो मुझे सपोर्ट किया है जिन लोगों ने, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो दैट मेरे रिसेंटली 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए हैं। मैंने बहुत पहले ही सोच रखा था कि अगर मेरे वो सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं एक ट्रिब्यूट वीडियो बनाऊंगा। हालांकि 1000 सब्सक्राइबर्स बहुत कम छोटी बात होती है यूट्यूब पे, बट वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी और बहुत ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व भी थे। तो आज मैं इस वीडियो के थ्रू उन लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और सबसे बड़ा थैंक यू आप पूरे ऑडियंस को जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया और इस काबिल समझा कि मैं कुछ आपको समझा सकूँगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिसकी मैं बात करना चाहूँगा और सबसे स्पेशल जो मेरी लाइफ में है, वो है मेरे मॉम एंड डैड। दोनों भी, जो मेरे बाबा और मम्मा दोनों भी हैं, वो लोग मेरे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। यहाँ मैं जो आपके सामने बैठ कर बात भी कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ वो सब मेरे माँ बाप की बदौलत है, क्योंकि उन्होंने मुझे हर मोड़ पे सपोर्ट किया, उन्होंने मुझे हर कदम पे गाइड किया, किस राह पे चलना है मुझे, किस विजन से देखना है मुझे फ्यूचर को, उन्होंने हर टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। तो सबसे बड़ा थैंक यू वो लोग को, क्योंकि वो लोग की वजह से ही मैं आज ये काबिल बना हूँ कि आपके सामने कैमरे के सामने ठहर कर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर मैं यहाँ पर पढ़ा सकता हूँ। तो जितना मैं शुक्र अदा करूँगा उसका बहुत कम है, क्योंकि मेरे डैड ख़ास तौर पर उन्होंने हर वक्त मुझे अपने साथ रखा, इस काबिल बनाया मुझे कि मैं दुनिया को किस तरह से फेस करूं, किस सिचुएशन में मुझे किस तरह से यहाँ पे डिसीजंस लेना होगा, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया। तो ये वीडियो स्पेशली मेरे मॉम एंड डैड को डेडिकेटेड है। मेरे डैड एक्चुअली ख़ुद हेडमास्टर हैं, उन्होंने बहुत सारी डिग्रीज़ की है, अभी तो मैं कुछ पहुँचा भी नहीं उसके करीब, उन्होंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, तो मुझे तो अभी बहुत आगे बढ़ना है। बट जितना भी मैंने पढ़ा है, जितना भी मैंने अचीव किया है, वो लोग के सपोर्ट के बगैर कुछ नहीं पॉसिबल था। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है मेरे लिए ख़ास तौर पे, क्योंकि मैं वो लोग अगर मुझे देख रहे हैं ऐसा कि मैं सामने किसी के प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ा रहा हूँ, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे यूट्यूब मिला है, तो शायद वो लोग को भी प्राउड फील होगा कि मैं यहाँ तक किस तरह से पहुँचा। मैंने शायद आपको कभी सामने से ऐसा थैंक यू नहीं किया, बट इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे आपने इस काबिल बना दिया यहाँ पे कि मैं चार लोग के सामने ठहर कर कुछ अपना पढ़ा सक रहा हूँ, अपनी नॉलेज शेयर कर सक रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप लोग की भी एज अब फिलहाल 13, 14, 15 के बीच में होगी। तो मैं ये क्यों कह रहा हूँ, ये आपके सामने मैं क्यों ला रहा हूँ बात, उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। जी हाँ, आप लोग अपने मॉम डैड जो भी आप लोग उनको बोलते हैं, वो लोग को प्लीज़ रेस्पेक्ट दीजिए, वो लोग को प्लीज़ अपने होने का एहसास दिलाइए, वो लोग के साथ टाइम स्पेंड करिए। वो लोग जो कहते हैं उसके पीछे बहुत बड़ा एक रीज़न होता है। कोई भी माँ बाप अपनी औलाद के लिए गलत नहीं सोच सकते। मैंने एक चीज़ कहीं पे देखी थी, वो डायलॉग मुझे बहुत अच्छा दिखा था कि माँ बाप के डिसीशंस गलत हो सकते हैं, बट वो लोग के इंटेंशंस कभी गलत नहीं होंगे। शायद कभी कभी डिसीशंस लेने में वो लोग गलत हो जाएं, बट वो लोग अपने औलाद का कभी बुरा नहीं चाहते। तो ये आप लोग सोच समझ कर चलिए, आप लोग की ऐसी एज अब यहाँ पे आप गुजर रहे हैं जिससे हम सब गुजर चुके हैं। हम सब लगता है कि हम ये एज में हम जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और जो हमारे बड़े जो कह रहे हैं वो बिल्कुल अलग कहते हैं जो हमारे डिसीशंस होते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि वो लोग हमारे अगेंस्ट हैं, जो हम चाहते हैं वो लोग वो होना ही नहीं चाहते, मतलब जो हमें चाहिए वो लोग हमें वो देना ही नहीं चाहते, या फिर वो हमारे से करना ही नहीं चाहते, कुछ भी सपोर्ट करना नहीं चाहते। बट ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग जो कुछ भी सोचेंगे वो आपके भले के लिए ही सोचेंगे। तो आप ये समझिए बात, इसीलिए मैं आपके सामने ये सब बात रख रहा हूँ, सो दैट आपको मैं कुछ मैथ से अलग हटके भी कुछ आपको मैं मेरे लाइफ के लेसन्स दे सकूँ, थोड़ा आपको गाइड कर सकूँ कि आप लाइफ किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं, अपने माँ बाप की रेस्पेक्ट किस तरह से करनी होगी आपको, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके पीछे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि वो लोग कितना हार्डवर्क कर रहे हैं आपके पीछे, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना पैसा लगा चुके हैं, और इमोशंस की तो आप बात ही छोड़ दीजिए कि वो लोग कितने इमोशनली अटैच होते हैं आपसे। तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको उनका रिटर्न बैक ज़रूर दें, क्योंकि वो लोग इतना ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं हमारी बात सुने और उनको थोड़ी सी सपोर्ट मिलती रहे। अब चैनल से रिलेटेड देखिए, बहुत जनों ने मुझे सपोर्ट किया, मेरे दोनों चाचा, जी हाँ, वो लोग मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इसीलिए मैं उन लोग का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा।
मेरे दोनों चाचाज ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है वीडियोस को लाने में। मेरे दोनों चाचाज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो मैं लोग के पास हमेशा अपने डाउट्स लेकर जाता था कि इसको मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा तो अच्छा दिखेगा सामने स्क्रीन पर। तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, बट आप सब जो भी मुझे देख रहे हैं जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है, बहुत बहुत थैंक यू आप सबको। और सबसे ज़्यादा थैंक यू आप सब्सक्राइबर्स को जिन्होंने सब्सक्राइब किया, मुझे इस काबिल समझा कि मैं यहाँ पे अच्छा पढ़ा सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए, मैं न्यू वीडियोस हर वीक लाता रहता हूँ। और आपको जो कुछ भी डाउट है या नेक्स्ट टॉपिक किस पे चाहिए आपको, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।